आज की ट्रेन जर्नी होने जा रही है हटिया गोरखपुर एक्सप्रेस से। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1। मैं हूं अभी रांची एयरपोर्ट में। जिन्हें रांची के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये झारखंड की राजधानी रांची है। आपने MS धोनी का नाम सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी जो इंडियन कैप्टन रह चुके हैं वो यहीं से हैं। तो बहुत सारे लाइक हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं यहाँ पे। तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ बेंगलोर से रांची, और यहाँ से हम लोग अभी जाने वाले हैं 15027 हटिया गोरखपुर एक्सप्रेस से बोकारो की ओर। तो चलिए और चलते हैं। आज की ट्रेन जर्नी होने जा रही है हटिया गोरखपुर एक्सप्रेस से, जिसका ट्रेन नंबर है 15027, जो रांची स्टेशन से 5:20 में रवाना होगी और बोकारो जो है पहुंचाएगी ये 7:40 में। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 2 घंटे 20 मिनट की ये जर्नी होने वाली है। हम पहुंच चुके हैं रांची स्टेशन में, देख जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से हमारी थर्ड क्लास की जर्नी है। तो हम कोशिश करेंगे आपको सारा व्यू दिखाने के लिए, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। काफ़ी कम्फर्टेबल जर्नी है और काफ़ी अच्छी ट्रेन है, काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है, इसे रिनोवेट किया गया फिर से। स्टार्टिंग में देख सकते हैं मेन पॉइंट में इसे जोहार लिखा गया है। झारखंड में आपका स्वागत है, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं हटिया गोरखपुर एक्सप्रेस, जिसे मौर्य एक्सप्रेस भी बोला जाता है, 15027 5:10 में अराइवल टाइमिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 रांची पहुंच चुके हैं। दिन भर के थकान के बाद हम लोग फाइनली रांची पहुंचे हैं। और हाँ, इसके पहले हमारी एक जर्नी थी जो हम लोग मैंगलोर से लेकर रांची तक आए हैं। यदि उस कनेक्टिंग फ्लाइट वाली जर्नी आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने रांची से लेकर बोकारो तक की अलग एक, रांची से धनबाद भी एक वीडियो बनाया है। ट्रेन वाली जर्नी भी आप देख सकते हैं, रांची से धनबाद भी बनाई है। और ये रांची से बोकारो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जो आने वाली है इस चैनल में। मौर्य एक्सप्रेस, जिसे अभी हटिया गोरखपुर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। हमारे चेहरे से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, थकावट फील हो रही है, तो इसे आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बिकॉज हम लोग आज सुबह मॉर्निंग में निकले हैं 5:30 में बेंगलोर से, और आज समझ ही रहे हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं ये पीछे का नज़ारा, यहाँ पे रांची एयरपोर्ट। जो भी रांची से बाहर हैं उन्हें मैं बता दूं, रांची फिर से मैं बता दे रहा हूं क्योंकि एक बार ऑलरेडी बताया है कि रांची जो है झारखंड, जो इंडिया में एक स्टेट बोल सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, हमारी स्टेट, मेरी मातृभूमि, या वही मैं बोल रहा हूं। रांची जो है झारखंड की राजधानी है, ठीक है। तो ये आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा और बहुत सारे ऐसे हैं, बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, तो बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर भी यहाँ पर पैदा हुए हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे हेंड्रू फॉल है, मैथन डैम है, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, और शायद इंडस्ट्रीज भी हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फाइनली फ्रेंड्स हमने ये लिया है एक लाइक देख सकते हैं ये काफ़ी कमज़ोर हैं हमारे सामने हैं, तो उनको हमने सोचा ये देने के लिए, एक कहीं भी आपको मिले टाइम तो थोड़ा इन लोगों की हेल्प कर देनी चाहिए। Guys, finally हम लोग यहाँ पे हैं
अपने कोच के तरफ आ चुके हैं। हमारा कोच है आज B1, हम लोग थर्ड एसी में सफ़र कर रहे हैं B1 50, ठीक है। वो हम कोशिश करेंगे आपसे अपने व्यू शेयर करने के लिए, जिस तरह से थर्ड एसी क्लास जर्नी भाटिया गोरखपुर एक्सप्रेस में, मौर्य एक्सप्रेस में किस तरह की होती है। आप हमारे साथ इस वीडियो में बनी रहिए। अभी बज चुके हैं 4:56, लाइक 5:10 में आने वाली है ट्रेन, और यहाँ से रवाना होगी 5:20 में। अनाउंसमेंट हो चुका है, कौन सा पीछे होगा। ये हमारी सीट है 55-56, पहले से इन्होंने बैठा हुआ है, अभी इनको हटने के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। ये हमारी साइड लोअर, ये साइड अपर की सीट है। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 5:25, लाइक एक्चुअल टाइमिंग है कि 5:20 पे यहाँ से ये प्रस्थान कर चुकी थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लाइक हम लोग थोड़ी सी लाइक प्लेटफॉर्म से अभी बाहर आ चुके हैं, तो काफ़ी टाइमिंग की ये ट्रेन है, एकदम टाइम से वहाँ से रांची स्टेशन से इसने छोड़ दिया है, और मुझे लगता है कि हम लोग फॉरेस्टल सिटी टाइमिंग से पहुँच जाएंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस ब्लॉग में आने वाली है। एसी की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिन काफ़ी क्लीन है, पानी आ रहा है इसमें, और ये एक साफ सा मिरर। और ये वॉशरूम की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक काफ़ी क्लीन है, यहाँ पे देख सकते हैं शॉप, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अभी तो काफ़ी क्लीन है क्योंकि ये हटिया से ये ट्रेन खुली है। फ्रेंड जैसा कि आपको मैंने दिखाया यहाँ की जो सीट्स हैं, तो मैं बात करूँ तो काफ़ी एवरेज है। इसमें थर्ड एसी में आना लाइक एक तरह से लाइक मतलब उतना कुछ खास नहीं है जैसा आप थर्ड एसी में दूसरे ट्रेन में सफ़र करते हैं। सीट्स में भी काफ़ी डस्ट है, और लाइक क्लीनिंग की बात करूँ तो क्लीन उतना ज़्यादा नहीं है, और कंपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पुराने लग रहे हैं। दूसरे ट्रेन में क्या है, आपको साइड लोअर और साइड अपर के सामने जो है वो आपको चार्जर के पोर्ट दे दिए जाते हैं, लेकिन इसमें साइड लोअर साइड अपर में कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है, आपको अपर बर्थ में दिया गया है, इसमें आप लोअर वाले मिडिल वाले यूज़ कर सकते हैं साथ में। तो ये चीज़ यहाँ पर इस ट्रेन में कमी है। बाकी आप लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाना चाहते हैं तो काफ़ी ठीक है, लाइक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आई विल नॉट रिकमेंड दिस ट्रेन थोड़ा सा, और बाकी चीज़ों के लिए ठीक है। हो सकता है कि आगे आने वाले पे अभी हो सकता है कि थर्ड एसी के कुछ स्टाफ आएंगे और वो ये इसको क्लीन करेंगे। पहुंचने वाले 7:40 में वहाँ पे हमारी टाइमिंग है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बनी रहिए, देखते हैं क्या ये ट्रेन आज टाइम पे पहुंचा पाएगी कि नहीं। ये पीना अच्छा रहता है, जो इसमें होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पी रहे हैं फ्रूटी जो हमने वहाँ स्टेशन में लिया था। ये स्टेशन में नहीं है, ये हमने वहाँ पे लिया था जो एयरपोर्ट लॉज में हम लोग रुके थे वहाँ पे लिया था। मूड चेंज हो गया तो हमने किसी रीजन से नहीं पिया।
वाली। हाँ छोटी सी आती थी, बड़ी वाली ना मैंने छोटी वाली पी। ये है हमारी थर्ड एसी क्लास, जिसमें आप देख सकते हैं इधर थ्री बर्थ्स, लोअर, मिडिल और अपर। आप तो बोले तो मिडिल आपकी, वो हमने स्लीपर में बोला था ना, और ये हमारी थर्ड एसी है। और ये आप देख सकते हैं फिर से अपर, लोअर, ठीक है, और मिडिल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड अपर और एक साइड लोअर सीट, ठीक है। बस यही मैं बात करता फ्रेंड्स। दूसरे वाले ट्रेन में क्या होती है, आपको साइड लोअर में आपको जनरली जो है ये चार्जिंग पोर्ट दे दिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है चार्जिंग पोर्ट नहीं दिए गए हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात करूँ क्लीनिनेस की, तो क्लीन भी ओके है, उतना ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने सामने आप देखोगे तो आपको दो चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे, जो मिडिल के लिए दी गई है। लाइक आप मिडिल में हो या फिर अपर में हो या फिर लोअर में आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज बोथ द पोर्ट्स। तो यहाँ पे सामने एक मिरर आपको मिल जाएगा, और ये सामने एक ट्रे है ना, वो ट्रे है, ट्रे है, और लाइक एक बोतल आपको रखने के लिए मिल जाएगा। और साइड लोअर की बात करो तो साइड लोअर में आपको बोतल हैंगर कुछ नहीं दिया गया है, और कुछ नहीं। बाकी ऊपर आप देख सकते हैं लाइटनिंग फैसिलिटी एक नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं इधर से, कंपार्टमेंट भी सही है। बज चुके हैं 6:26 और हम लोग पहुंच चुके हैं मुरी स्टेशन। मुरी की बात करो तो मुरी जो है झारखंड का बहुत ही फेमस प्लेस है, यहाँ पे लाइक एल्यूमिनियम फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। और 1948 में यहाँ पे हिंडालको इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम फैक्ट्री की शुरुआत की गई थी, और साथ ही साथ बहुत सारी यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, रोजगार के अवसर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं 6:30 हैं और यहाँ पे रुकी हुई है, कुछ देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और मैं आपको कोशिश करूँगा बीच में यदि कोई स्टेशन रुकती है तो, अदरवाइज़ फिर मिलेंगे बोकारो स्टेशन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और अभी हम ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं अंदर में। मुरी स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है MURI मुरी, और इसमें प्लेटफॉर्म टोटल नंबर प्लेटफॉर्म 3 है। इसे 1907 लेकिन 1907 में इस स्टेशन को ओपन किया गया था, जो हमारी आज़ादी से पहले काफ़ी पहले था। तो इससे हमारी लाइक वो सारी यादें जुड़ी हुई, आज़ादी से पहले की भी यादें जुड़ी हुई। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बाबू? तो कहाँ जा रहा है? आ गया, चलो गाइस। नहीं, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोकारो स्टेशन। अभी जो है टाइमिंग हो रही है 7:33, इन्होंने टाइम से पहले पहुंचा दिया है। हमारी जो टाइमिंग थी 7:40 की, इन्होंने पहले ही पहुंचा दिया है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बोकारो स्टेशन पहुंच चुके हैं, टाइम से पहले ही पहुंचा दिया है।
तो फ्रेंड्स हम लोग टाइम से पहले पहुंच चुके हैं। इस ट्रेन की खास बात ये है फ्रेंड्स कि इसमें जो है लाइक 4 स्टॉपेज ही हैं आपको, लाइक पहले ये हटिया से खुलेगी, उसके बाद मूरी रांची में रुकेगी, फिर मूरी में रुकेगी, फिर कोटशिला और फिर बोकारो स्टील सिटी। तो काफ़ी कम ड्यूरेशन टाइम में ये पहुँचा देते हैं फ्रेंड्स। बोकारो स्टील स्टेशन की बात करो तो इस स्टेशन की जो शुरुआत है, इसे ओपन किया गया था 1961 में और इसे इलेक्ट्रिफाइड किया गया था 1986 से 1989 के बीच। ये बोकारो स्टील स्टेशन फेमस है स्टील बोकारो स्टील सिटी के लिए है, यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है तो स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस ट्रेन की जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। थोड़ी सी हड़बड़ी हो गई है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ से पकड़ना है और हमें घर के लिए निकलना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।